मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। केतु बदलने जा रहे हैं अपनी राशि और जा रहे हैं उच्च राशि में, इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और उन सभी का भी स्वागत है जो या तो मुझे पहली बार देख रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी सब्सक्राइब किया है। नौ ग्रहों में बहुत महत्वपूर्ण है केतु, हालांकि ये कोई ग्रह नहीं है लेकिन मंगल का यह छाया ग्रह है जिसे हम ज्योतिष में ड्रैगन्स टेल कहते हैं, राक्षस का धड़। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दिमाग नहीं है क्योंकि दिमाग राहु में है, केतु में दिमाग नहीं है, लेकिन कई बार केतु मनुष्य से ऐसे निर्णय करवा देता है जो कि उसके लिए मील का पत्थर, टर्निंग पॉइंट भी साबित हो जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने या अपनों ने उसे ऐसा कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, जिंदगी भर दर दर की ठोकरें खाओगे, भीख मांगते फिरोगे, ठेला चराओगे, कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। जब ऐसे ताने उनको अपने ही लोगों से मिले तो उन लोगों ने अपने दिल और दिमाग में इस बात को बिठाया कि अब मैं तरक्की करके दिखाऊंगा इन सब लोगों को, और वो इंसान उठ खड़ा होता है और वो केतु उसको जज्बा और जुनून देता है, केतु उसको रिवेंज, बदला लेने की ताकत देता है और वो बहुत कुछ करके दिखा देता है। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। केतु के बारे में मैं कई बार कह चुका हूं कि केत छुड़ावे खेत, केतु जब आता है तो सबसे पहले खेत छुड़वाता है। जैसे नौकरी करने वाले व्यक्ति को बिजनेस करवा देते हैं, बिजनेस करने वाले लोग व्यक्ति का बिजनेस चलता नहीं तो नौकरी करने पर मजबूर कर देता है। केतु की दशा में इंसान को अगर सब कुछ सही चले तो बेहतरीन फ्लैट मिलता है, बंगलो मिलता है, ट्रैवल होता है। जिंदगी में खराब दशा आ जाए तो बद से बदतर हालत भी केतु कर देता है। केतु को जैसा मैंने कहा कि मंगल का छाया ग्रह कहा जाता है, इसलिए कुंडली में मंगल की पोजिशन को देखना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम केतु के प्रेडिक्शन को जान सकते हैं। मंगल एग्रेसिव प्लैनेट है, पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिन सर्विसेज का लॉर्ड है, लेकिन अच्छी पोजीशन में हो तो एग्रेसिव बनाता है और केतु उसको बल देता है, लेकिन ना हो तो डिस्टर्ब करता है। राहु और केतु दोनों ही 6 तारीख की रात और 7 तारीख की सुबह अपनी राशि बदल रहे हैं। राहु के अलग से मैं एपिसोड सारे 12 देख चुका हूं, बना चुका हूं, आप उसे यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूं जहां राहु चकाचौंध भरी दुनिया का, तो केतु आध्यात्मिक ऊंचाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। अगर केतु बहुत अच्छी पोजिशन में है तो इंसान को मोक्ष मिलता है, स्पिरिचुअलिटी में जाता है, ध्यान करता है और करंट हो जाता है, टेलीपैथी बड़ी जबरदस्त रहती है। केतु बुध की तार्किकता यानी शार्पनेस, बौद्धिकता और गुरु के ज्ञान को मिलाने वाली महीन रेखा है। केतु जीवन के वास्तविक सत्य का ज्ञान करवाता, दिखावा नहीं देता है। गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र, ज्ञान व वैराग्य का कारक भी माना जाता है। केतु जनित व्यक्ति के पास अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए तो बताएगा 5,000 रुपए है, और राहु वाले व्यक्ति को 5,000 जेब में होता है बताता है 1 लाख रुपए, दिखावा ज्यादा होता है। लेकिन केतु दुर्घटनाओं का अंदेशा भी देता है, एक अनोन फियर केतु के राहु की तरह देता है। कई प्रकार के निशान, अकाल मृत्यु का भय और साथ में चोट, हड्डियां टूटना, ये सब चीजें भी केतु देता है। अब केतु के इस परिवर्तन पर आइए सिलसिलेवार तरीके से। मैं मेष से मीन राशि तक का अलग अलग हर एक राशि का एपिसोड दूंगा जिसे ताकि आप ढंग से समझ सके। 6 मार्च की रात और 7 मार्च की सुबह 5:34 पर केतु धनुराशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे जो कि 22 सितंबर 2020 तक रहेंगे। अब देखिए कि इंपॉर्टेंट बात है कि 29 मार्च 2019 को देवताओं के गुरु बृहस्पति भी धनु राशि में आ जाएंगे 22 अप्रैल 2019 तक। उस टाइम पीरियड में यानी 29 मार्च से 22 अप्रैल तक का ये तकरीबन जो 24-25 साल का दिन का जो समय है वह समय में गुरु और केतु का चांडाल दोष बन जाएगा, तो इस टाइम पीरियड को हमें बहुत संभल के चलना पड़ेगा, यह आप अलग से नोट कर सकते हैं। अब आज के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में जानेंगे केतु की सबसे पहले पोजीशन आपकी राशि में कैसी रहेगी, उसकी 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि का हल, अंत में मैं वो खास उपाय आप सभी को बताऊंगा जो निश्चित रूप से आपको केतु के दुष्प्रभावों की कमी करेगा और अच्छी चीजों को बढ़ाने का काम करेगा। अब तक आपने जाना कि केतु किस तरीके का ग्रह है, आपके जिंदगी पर इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, केतु कब परिवर्तन होंगे, धनु राशि में कब से कब तक रहेंगे और उच्च राशि के रहेंगे। यहां पर 29 मार्च 2019 से लेकर 23 अप्रैल 2019 तक यह गुरु और केतु का चांडाल दोष भी बनेगा। साथ में अगर आपकी मकर राशि है और आपका मकर लग्न है, दोनों ही है, तो आप इसे लग्न और राशि दोनों के आधार पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक नजर अपनी कुंडली पर जरूर डालें। ये 10 नंबर की इस वक्त आपकी स्क्रीन पर कुंडली आ रही है जिसमें जहां 9 नंबर लिखा हो ऊपर, यहां पर बृहस्पति, शनि और केतु 3 ग्रह दिखाई दे रहे हैं।
ट्वेल्थ हाउस हमारे खर्चे का है, लीगल कॉम्प्लिकेशन का है, मान सम्मान की हानि का भी है और मान सम्मान मिलने का भी है। विदेश यात्राओं का घर भी है, मोस्टली एक्सपेंसेस के और खर्चे और घाटे की वजह से देखा जाता है। यहां पर यह दर्शाता है कि केतु ट्वेल्थ हाउस में अनर्गल खर्चे करवाए, क्योंकि शनि जहां बैठते हैं वहां की वृद्धि करते हैं और केतु और बृहस्पति का चांडाल दोष आपके हाथों से कोई अशुभ काम करवा सकता है। याद रखिएगा, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं लेकिन आपको आगाह कर रहा हूं, छोटी छोटी बातों पर कई बार झगड़ा करते हैं और किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, ये आपकी जुबान को खराब करेगा जिससे दुश्मनी बना सकता है। ऐसा कोई काम मत करिएगा क्योंकि जमाना खराब है, समय अच्छा नहीं है। 7:30 ऑलरेडी आपको चल रही है। इस टाइम पीरियड में अगर आप 29 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करें, कोशिश करें कि आप पैसा फंसना, नुकसान, धोखा, खर्चा और कर्जे का कोई स्थिति पैदा ना हो जाए, ऐसा कोई काम आपको नहीं करना चाहिए। इसके लिए मंत्री राशिफल मैं अलग से देता हूं, उसमें मैं कुछ भी कहता हूं वो डिफरेंट चीज है, लेकिन और डेली राशिफल पे मैं बोलता हूं, हो सकता है उस वक्त मैं आपको ये बोलूंगा आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो एक पर्टिकुलर डे के लिए हो सकता है, पर अलर्ट रहकर आपको करना पड़ेगा। इस साल कुछ धन की हानि हो सकती है लेकिन नए तरीके से धन आकर उसकी पूर्ति जरूर होगी। ये इसमें आपका खर्चा पड़ेगा और विदेश यात्राएं, दूसरे शहर, राज्य और देश में आपके ट्रैवल हो सकता है। अगर आपका पहले से कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रहा था, इसको ये काफी हद तक खत्म कर देगा और आपको समाधान मिल जाएगा। ये बात याद रखिएगा कि दुनिया की कैसी भी मुसीबत आ जाए लेकिन इस पे से आपको निकालने का काम पूरा करेगा। इसमें अगर आप साइलेंट मोड में रहते हैं और प्रोफेशनल की राय लेकर आगे बढ़ते हैं तो आपको 1% भी तकलीफ नहीं आ सकती है। बस आप बेवजह का खर्चा, बेवजह की उलझन कोई भी पैदा मत करेगा। केतु की जो पांचवी दृष्टि है, फोर्थ हाउस पर, जो कि मंगल की मेष राशि है और मंगल का शैडो प्लैनेट केतु है, फोर्थ हाउस पर दृष्टि से आपके अपने मकान का सपना साकार हो सकता है। आपके माता, भवन, भूमि, वाहन, इन्वेस्टमेंट, शुभ और मांगलिक कार्यों पर खर्चे होंगे। आप किसी धार्मिक स्थल, तीर्थ यात्रा या फिर किसी पारिवारिक सदस्यों के साथ यात्रा करने के लिए और आगे बढ़ेंगे। इस टाइम पीरियड में आपके माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से सचेत रहने की सलाह दूंगा और ओन प्रॉपर्टी खरीदने का योग यहां पर बन जाएगा। आप ऐसे कुछ लोग जो धार्मिक अभ्यास करते हैं, उपवास करते हैं, दिव्य अनुष्ठान करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करते हैं, उन लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छा समय रहेगा। और असली मजा, असली शांति तो अध्यात्म में ही आती है। सुख जो सुविधाओं में खोजते हैं, जो वस्तुओं में खोजते हैं, वो ज्यादा दिन तक नहीं रह पाती है। आपके विचार थोड़े से धार्मिक और वैज्ञानिक और साथ में दार्शनिक भी होंगे। आप स्वयं पर आज्ञाकारिता और सख्त नियम कानून अगर फॉलो करते हैं और अपने आप को हर पल पॉजिटिव रखते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं और निश्चित रूप से सकारात्मक सोच रखते हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपके साथ बुरा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ अच्छा होगा और आपके जीवन में आनंद ही आनंद बढ़ता चला जाएगा। ये सातवीं जो दृष्टि है, 9 से लेकर 3 की तरफ जो एरो जा रहा है, ये आपके कर्जे का है, आपके दुश्मनों का है और आपके सेहत का है। अगर आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं जिसमें सिगरेट इंपॉर्टेंट है और गुटखा, ये जो पान मसाला होता है, और आपके घर परिवार में किसी गंभीर रोग हुआ जैसे कैंसर, तो यहां पर मैं ये सलाह दूंगा कि आप अपना एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं, पूरी बॉडी का चेकअप करवाएं और उसके अनुसार योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज और डॉक्टरी दवाई लें तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं या फिर आपको तकलीफ नहीं आएगी। मैं आपको कोई डराने का काम नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं आपको लिए ऐसा कोई काम किसी के लिए करता हूं, पर मैं अलर्ट जरूर करता हूं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के फॉर्मूले पर मैं विश्वास ज्यादा रखता हूं। अब वहीं अगर आप पहले से बच्चे हैं, आजकल आप कभी कोई दूर जाने की जरूरत ही नहीं, चाय की टपरी अपने दुकानें बहुत सारी है, वहां बैठ जाइए, 2 घंटे बैठिए। छोटे छोटे बच्चे, 14 साल 15 साल के बच्चे सिगरेट का कश लगाते हैं, कोई बच्चा नहीं भी लगाता है, तो मैंने ऐसा खुद ने बहुत बार देखा है। लोग कहते हैं, अरे यार एक कश तो लगा, कुछ नहीं होता यार इससे, और वो लगाना शुरू करता है, उसकी भी बर्बादी तय हो जाती है। तो बेटर है कि ऐसी चीजों से लोगों को भी बचाना चाहिए और सरकार को लिखना चाहिए। सरकार तो खैर, सरकार को इसमें पैसा मिलता है, इसलिए सरकार कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ हर साल सरकार इसमें पैसा बढ़ा देती है और ना सिगरेट पीने वाले कम हुए हैं ना कोई बात, उल्टा इसके अंदर लोग गलत तरीके से पैसा कमा कर सिगरेट और ये सब काम करने की कोशिश करते हैं। मेरा आज ये विषय नहीं है लेकिन फिर भी ये दिल का दर्द है जो कहना जरूरी है। योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज करिए तो सेहत अच्छी होगी। इसमें आपका कर्जा बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है लेकिन ये कर्जा आपके शुभ कार्यों के लिए होगा, हो सकता है सेहत के लिए ना हो लेकिन अच्छी चीजों के लिए जरूर होगा। एक चीज का ख्याल रखिएगा, जो दुश्मन ऑलरेडी आपके हैं उनको भी प्यार मोहब्बत से कम करने की कोशिश करें, नए दुश्मन तो बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि जहां दृष्टि केतु की पड़ती है वहां दुश्मन बढ़ने की कोशिश ज्यादा होती है। समय में किसी गैर कानूनी काम के चक्कर में आप ना पड़ें, ना ही किसी दोस्तों की वजह से किसी गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाएं, ये ध्यान रखिएगा। नवमी दृष्टि अगर देखें तो 9 से 5 की तरफ एक एरो जा रहा है, ये आपके कॉमन सेंस का, मति का है, आपके एक्सीडेंट का है और साथ में आयु का है। इस टाइम पीरियड में यही सलाह दूंगा कि रैश ड्राइविंग बिल्कुल भी ना करें। हिंदुस्तान फर्स्ट नंबर में तकरीबन आता है एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों में, और ज्यादातर लोग रॉन्ग साइड में 2 पैसे बचाने के चक्कर में, रॉन्ग साइड तो हिंदुस्तान की एक सभ्यता बन चुकी है, संस्कार बन चुका है,
छोटी छोटी चीजों में लोग रॉन्ग साइड पे जाते हैं, और एक दिन ऐसा एक्सीडेंट होता है जो टाइम और पैसा आपने बचाया था पेट्रोल, वो एक साथ स्वाहा हो जाता है। तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे एक्सीडेंट के चांसेस बन जाए। बेहतर यह होगा कि आप अपने अंदर कुछ तब्दीली लेकर आए, अनुशासन में जीने की कोशिश करें। इस टाइम पीरियड में आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके कॉमन सेंस और बेटर होगा, और इस समय विशेष में आपको कुछ पढ़ने का मौका मिलेगा, पराविद्यान, गुप्त विद्याएं और ज्योतिष अध्यात्म पढ़ने का मौका मिलेगा। और ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको संतुष्टि मिलेगी। यह टाइम पीरियड आपके अंदर ये अलग जगाएगा कि मुझे कुछ अलग करना है, कुछ बेहतर करके दिखाना है। इसमें आपको ईश्वर चुनौतियां देंगे, और याद रखिएगा चुनौती और चैलेंजेस उन्हीं को मिलते हैं जो उसके काबिल होते हैं, और आप इसके काबिल जरूर हैं। कुछ चीजें डिले होंगी, डिस्टर्ब होगी, लेकिन लास्ट मोमेंट तक काम आपका पूरा जरूर होगा। आपको एक बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए योजना प्रॉपर बनानी है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेटर करना है। निश्चित रूप से ये आपको बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा और आपके मोक्ष के रास्ते को खोलेगा और आपके जीवन में आध्यात्मिकता की अलख जगाएगा। अब मैं कुछ उपाय आपको बताने जा रहा हूं जो निश्चित रूप से केतु के दुष्प्रभाव को कम करेगा और शुभ प्रभाव को बढ़ाने का काम करेगा। अब तक हमने जाना कि केतु आपकी राशि में क्या प्रभाव देंगे, साथ में केतु के पांचवी, सातवीं, नौवीं दृष्टि का हमने हाल जाना और प्रेडिक्शन को बताया आपके ऐसे 18 महीने के। अब देखिए, केतु अचानक परिवर्तन कराता है, आकस्मिक परिवर्तन करवाता है। केतु कई प्रकार के एक्सीडेंट, दुख, तकलीफें भी देता है और तरक्की भी करवाता है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ उपाय जो बता रहा हूं उसका पालन करें, ताकि जो केतु के शुभत्व है उसमें बढ़ाया जा सके और जो अशुभ है, नेगेटिविटी है, उसको काफी हद तक घटाया जा सकता है। केतु सबसे पहले ये जान ले कि मंगल वध फल देता है, इसलिए मंगलवार को हर महीने के या महीने दो महीने जब भी आपको वक्त मिलता है, हनुमान जी के मंदिर में जो ऊपर आपने देखा होगा गुंबद लगा रहता है, वहां पर अगर आप ध्वजा फहरा सकें, केसरिया रंग की ध्वजा, उसमें ओम लिख दीजिए, जो भी आपको पसंद है वो आप लिख दीजिए, लेकिन ध्वजा होनी चाहिए और भगवे कलर की हो, केसरिया रंग की हो, येलो रंग की हो सकती है, उसे आप चढ़ाएं। मान लीजिए आप ये मंदिर में नहीं कर पाते हैं, तो मंदिर के आसपास में जो कोई भी पेड़ होता है या कहीं पर भी, उस पर भी आप टॉप लेवल पर अगर ध्वजा फहरा देते हैं तो भी अच्छा है। ये भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो हनुमान जी के श्री चरणों में ये ध्वजा रखें, ये विजय का प्रतीक है। कभी भी जब देश या फिर हम सब कोई स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग जब कोई विजय प्राप्त करते हैं तो हिंदुस्तान का या अपने देश का झंडा लेके वो घूमता है और उसे फहराया जाता है, ध्वजारोहण। इसलिए आपको विजय का प्रतीक ध्वजारोहण करना चाहिए। दूसरा, केतु मंगलवार फल देता है, इसलिए हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ करना जरूरी है। कोशिश करें कि जब भी आपको मौका मिलता है मंगलवार को सुबह शाम दोपहर में, स्पेशली सुबह शाम में ज्ञान मुद्रा में बैठकर ओम केम केतुवाय नमः मंत्र का जाप करेंगे तो अच्छा रहेगा। श्री गणेश जी की आराधना करें और दूर्वा अर्पित करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप भैरव जी के मंदिर में जाकर नीले रंग के पुष्पों को अर्पित कर देते हैं और उसकी माला अगर लाल रंग के धागे में बनाकर अर्पित करें तो और भी अच्छा है। काले रंग की ध्वजा चढ़ाएं शनिवार को, या गरीबों को ऊनी कंबल, काले तिल या तेल का दान करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। साथ में महामृत्युंजय का कवच और केतु रक्षा कवच भी गले में धारण करें तो आनंद मिलेगा। ऐसा करने से केतु के प्रभाव में काफी हद तक कमी आ जाएगी, दुष्प्रभाव में, और अच्छी चीजों का आप बढ़ा पाएंगे। अब आप सभी को मैं जानकारी देना चाहता हूं कि आप मेरी वेबसाइट है grahonkakhel.co.in, जिस पर जाकर आप बहुत सारे सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। हमारी एक मासिक पत्रिका है, ये इन पास में ही है, ग्रहों का खेल इसका नाम है, जिसका लेखन और प्रकाशन मैं खुद करता हूं, जिसके सदस्य बनने के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, जिसे आपको कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेजा जाएगा। आप उसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आपका केतु का ये परिवर्तन बहुत मंगलमय हो। आप हमारे डेली राशिफल, मंथली राशिफल और दूसरे एपिसोड को यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपका साल शुभ हो, आपका हर पल शुभ हो, यह मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, और अपनी जुबान को यहीं विराम देने के लिए आप सभी से इजाजत लेना चाहता हूं। प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। मेरे सभी प्रिय चाहने वालों, दर्शकों, मैं जब भी इन फूलों को देखता हूं तब एक एहसास होता है कि फूल तो टहनी के सबसे ऊपर वाले भाग में उगे हैं, लेकिन फूल बनना जड़ से शुरू हुआ था, क्योंकि इसे खाद और पोषक तत्व जमीन से मिलते हैं। क्यों नहीं हम भी एक खुशनुमा जीवन को जिए, हमारे शरीर, मन, मस्तिष्क के हर रोम में ऐसा फूल उगे। इसमें आपके जीवन में कांटे कौन बो रहा है, यानी मैं बताऊंगा कि आपकी कुंडली के
नौ ग्रहों का हाल कि कौन से ग्रह आपके विरुद्ध हैं और कौन से आपके पक्ष में हैं। इसके लिए मैं आ रहा हूं आपके शहर आपसे मिलने के लिए। मैं अपना फरवरी और मार्च महीने का स्केड्यूल दे रहा हूं। अगर आप इन शहरों और देशों में रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। 23 फरवरी को मैं दिल्ली रहूंगा, 16 फरवरी को मैं नेपाल काठमांडू रहूंगा और 24 फरवरी को चंडीगढ़, 28 फरवरी और 1 मार्च को मैं दुबई में रहूंगा। मार्च की बात करें तो 2 और 3 मार्च को मैं देहरादून में रहूंगा, 8 और 9 मार्च को सिंगापुर में रहूंगा, 10 और 11 मार्च को मैं पर्थ ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा, 16 मार्च को नागपुर, 17 मार्च को नासिक और 18 मार्च को मैं मुंबई में रहूंगा। 23 यानी 23 मार्च को मैं सूरत में, 24 मार्च को बड़ौदा, 25 मार्च को मैं अहमदाबाद रहूंगा और फिर 29 मार्च को दिल्ली, 30 मार्च को लखनऊ और 31 मार्च को मैं पटना में रहूंगा। निश्चित रूप से हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी भोग रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रहों का खेल है, हमारे संचित कर्म है, प्रारब्ध है, हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, हमारे कर्म है। लेकिन एक परामर्श, आपकी और मेरी मुलाकात निश्चित रूप से आपकी किसी समस्या का समाधान जरूर कर सकती है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्कार। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, जबकि हमारे गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी कहते हैं भाग्य लेकर आए हैं और कर्म लेकर जाएंगे। जी हां, यह बात एकदम सही है। यदि आप चाहते हैं अपने कर्मों द्वारा भाग्य में बदलाव और जानना चाहते हैं अपने जीवन का भविष्य, साथ ही अपने जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या जैसे बच्चों की एजुकेशन, उनके करियर और विवाह, आपका जॉब या बिजनेस, ट्रैवलिंग, फैमिली लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। गुरुदेव न केवल उन सवालों का जवाब देंगे बल्कि आपकी समस्याओं को दूर करने के उपाय और बेहतर जीवन जीने के कुछ सुझाव भी देंगे। इसके लिए आप गुरुदेव से पर्सनली मिल सकते हैं, टेलीफोन अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी सीधे सवाल पूछ सकते हैं। आप चाहे तो अपनी या परिवार के सदस्यों की संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। ये जन्म कुंडली विश्लेषण आप टेलीविजन के माध्यम से या फिर कंप्लीट फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.grahonkakhel.co.in पर एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज पर क्लिक करना होगा या सीधे हमारे इंडिया में आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के इस नंबर पर जो है 0091982902665 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एड्रेस सुरेश श्रीमाली, हाई कोर्ट कॉलोनी, जोधपुर, इंडिया। कॉन्टैक्ट नंबर है 0091982902665। ईमेल एड्रेस है info@grahonkakhel.co.in।